तो हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप भी रियलमी का मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप एक रियलमी यूज़र है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपको आज कुछ ऐसी रियलमी की कुछ हिडन सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे नीचे आपको कन्वर्सेशन टूल के अंदर चले जाना है। इसके अंदर आपको लास्ट में ऑप्शन है गेस्चर एंड मोशन, इसको ओपन कर लेना है। ये फर्स्ट में है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इसको आपको यहाँ से अनेबल कर लेना। तो इसके साथ ये होगा, इसमें देखिए डबल टैप टू टैप टर्न ऑन स्क्रीन, ये वाला ऑप्शन है। अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पर डबल टैप करोगे आपकी स्क्रीन हो जाएगी, आप अपनी लॉक स्क्रीन पर ऐसे ओवर राइट करेंगे तो आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। ड्रॉ ए वी, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है फ्लैश लाइट की तो आपको जल्दी में यहाँ से चालू करके यहाँ से चालू करनी पड़ती है। इसकी जगह आप अपने सीधे डायरेक्ट लॉक स्क्रीन पर वी प्रेस राइट करेंगे तो सीधी आपकी फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है, आपको डायरेक्ट आप अपनी लॉक स्क्रीन पर भी कोई भी सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें नीचे देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप कोई भी ऐप सेट कर सकते हैं, जैसे आप स्लाइड लेफ्ट राइट डाउन ड्रो एम, यहाँ पे आप कोई भी कॉल सेट कर सकते हैं, फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं, कोई भी ऐप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पर एम राइट करने पर कौन सी ऐप है जो चालू होनी चाहिए, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। और अगली सेटिंग है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ, वो भी आपको इसके अंदर सेटिंग में चले जाना है। इसके अंदर नीचे देखिए डिजिटल वेबलिंग एंड पैरेलल कंट्रोल, इसके अंदर आपको चले जाना है। ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके अंदर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ है जो आप देख सकते हैं कि आपने कौन से दिन कल परसों कितना मोबाइल यूज़ किया, कितनी देर क्या क्या आपने ओपन किया। देखिए कल जैसे इंस्टाग्राम इतनी देर, फेसबुक, आप ये मोबाइल का ही फीचर, आपको एक्स्ट्रा से कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन टाइम के साथ आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव्ड भी काउंट कर सकते हैं कि आपने कौन सी ऐप की नोटिफिकेशन कितनी बार आपके मोबाइल में आई, चाहे इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर, व्हाट्सअप, ये देखिए बहुत सी है जो आप चीज़ें हैं जो यहाँ पे काउंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसी के साथ टाइम्स ओपन, ये भी एक फीचर है इसका कि आपने अपने मोबाइल को कितनी बार अनलॉक किया। जैसे मैंने सुबह से 45 बार अपने मोबाइल को अनलॉक कर चुका हूँ, व्हाट्सएप को 29 बार मैंने यहाँ पे अनलॉक किया है, यूट्यूब को, गूगल पे, ऐसे आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर काउंट होता है। और इसके साथ ही साथ इसको आप अपने होम स्क्रीन आइकन पे भी सेट कर सकते हैं। देखिए लास्ट के अंदर ऑप्शन है शो आइकॉन इन द ऐप लिस्ट, तो ये आपके मोबाइल में डायरेक्ट होम स्क्रीन पर इसका आइकॉन सेट हो जाएगा ऐप की तरह। और इसके साथ ही आप यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह भी आप यहाँ से इसकी ऑफ कर सकते हैं। तो मैं इसके देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे होम स्क्रीन पर भी देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया है। ये देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट आप इसको अपने डेली एक्टिविटीज़ है जो काउंट कर सकते हैं कि आपने मोबाइल को कितनी बार ओपन किया है। यहाँ से देखिए डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्रीन टाइम वगैरह, नोटिफिकेशन और टाइम्स ओपन आप ऐसे देख सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा यूजफुल ऐप है, इसके लिए आपको बिना कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड किए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।